न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से यानी कि रितेश गुप्ता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, जम्मू खूबसूरत शहर है और इसकी खूबसूरती को और चार चांद लगा रहे हैं यहाँ पर किए जा रहे विकास कार्य। और जिस प्रकार से पार्क्स की बात करें, जम्मू में कई तरह के पार्क्स जो हैं पहले भी बनाए गए हैं और कई पार्क्स का निर्माण कार्य जो है यहाँ पर जारी है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ यहाँ पर तोप मोड़ पर, जहाँ पर एक पार्क का निर्माण कार्य किया जा रहा है और ये पार्क जो है काफ़ी आकर्षित जो है आने वाले समय में होगा। हालांकि ये पार्क जो है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन बच्चों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें या फिर हर वर्ग की बात करें, हर किसी के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ खास जरूर है। बड़े बुजुर्गों के लिए सर्दी में धूप सेकने के लिए अथवा सैर करने के लिए और खास तौर पर बच्चों के खेलने के लिए रणबीर कैनाल से सटे पार्क का निर्माण कार्य किया जा रहा है। पार्क में बच्चों के खेलने के लिए तरह तरह के खिलौने, झूले, टाइलों से सटा पाथवे, ग्रीनरी, बैठने के लिए बेंचेस, कुर्सियां इत्यादि लगाई जाएंगी। इस पार्क को खूबसूरत ढंग से बनाया जा रहा है। इस पार्क में पुराने टायर के साथ साथ वेस्ट, प्लास्टिक बॉटल्स, फैन ब्लेड्स, वाटर ड्रम व अन्य प्रोडक्ट्स को शेप और कलर देकर बेहतरीन तरीकों से इस्तेमाल किया जा रहा है। टायर यकीनन एक बेहद ही वर्सटाइल प्रोडक्ट है, जिसे हम कई तरह की शेप्स दे सकते हैं। और बिल्कुल वैसे ही इस पार्क में टायर से बच्चों के लिए खेलने के लिए टॉयज और बैठने के लिए चेयर्स इत्यादि बनाई गई हैं। इसी तरह पुराने पहियों और व्हील कप का भी बखूबी इस्तेमाल कर इसे आर्टिफिशियल फ्लावर की शेप दी गई है। इस पार्क में भी बच्चों के लिए अन्य पार्क की तरह झूले तो हैं ही, साथ ही साथ बच्चों को आकर्षित करने के लिए आर्टिफिशियल एनिमल्स भी बनाए जा रहे हैं, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहे हैं। ये जो पार्क है ये बहुत ही अट्रैक्टिव है। मतलब जम्मू में और भी काफ़ी सारी पार्क्स हैं, लेकिन ये वाली थोड़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, क्योंकि ऐसे बाकी पार्क्स में जो मतलब स्विंग्स, झूले वगैरह होते हैं वो कम ही होते हैं, मतलब बैठने के लिए ज़्यादा स्पेस होती है। लेकिन यहाँ पर ये जो अभी तो बन रही है, लेकिन जब बन जाएगी तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी। और साथ में मतलब स्विंग्स वगैरह, बच्चे वैसे भी मोबाइल्स वगैरह फ़ोन्स पे लगे रहते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा कि वो भी खेलेंगे। और वैसे भी हेल्थ के लिए खेलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वगैरह होता है। गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव है जो बच्चों को हेल्प करेगा उनके घर से मतलब बाहर निकलने में, उनकी हेल्प करने में। कुछ बच्चे स्ट्रेस में हो जाते हैं, तो उनके लिए भी ये एक तरफ से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से। ये पार्क केवल बच्चों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस पार्क में कोई भी आ सकता है। यहाँ लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था भी की गई है और अन्य प्रकार की सुविधाओं का भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। पार्क के अंदर हरी घास, फूल इत्यादि भी लगाए जाएंगे और शाम होने पर अंधेरा फैलने की स्थिति में पार्क में लाइटें भी लगाई जाएंगी, ताकि बच्चों को ज्यादा समय तक खेलने के लिए वक्त मिल सके। और जब ये पार्क बनकर तैयार हो जाएगा तो इस पार्क में बैठने का कुछ अलग ही नज़ारा होगा। सर, आपका नाम? मैं शिवन लाल, मेरा नाम है। सर, जिस तरह से यहाँ पर एक पार्क का निर्माण किया जा रहा है, बुजुर्गों के लिए और खासकर बच्चों के लिए जो है ये पार्क जो है काफ़ी अच्छा बनाया जा रहा है, किस नज़रिए से देखते हैं? ये बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया है। यहाँ बच्चे भी आ सकते हैं, बूढ़े भी आ सकते हैं, हर कोई आ सकता है यहाँ वॉक करने के लिए, धूप सीखने के लिए। और ये सड़क के किनारे है, फेंसिंग इसकी हुई है अच्छी तरह, पार्क बन रही है, ये और बढ़िया बन जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आगे में ये इसको बहुत अच्छा आएगा। हालांकि इस पार्क का निर्माण कार्य अभी किया जा रहा है और जैसे ही ये पार्क बनकर कंप्लीट होता है तो बच्चों के लिए विशेष प्रकार से ये सुनहरा तोहफा होगा। बच्चों की बात करें तो बच्चों को खेलने के लिए जो है अक्सर शिकायतें रहती हैं कि उनके पास खेलने के लिए जगह नहीं है। ये पार्क जिस तरह से बनाया जा रहा है, पार्क जिस तरह से ये बन रहा है, ये कहीं ना कहीं बच्चों के लिए जो है लाभकारी होगा। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।